ब्लॉक प्रमुख चुनाव के पहले ही बीजेपी को बड़ी बढ़त मिल गई है। नामांकन के बाद 262 ब्लॉक्स में बीजेपी की जीत तय हो गई। 825 ब्लॉक में से 262 ब्लॉक्स में बीजेपी की निर्विरोध जीत तय है। इसमें पश्चिमी यूपी की 85 सीट्स, अवध की 87, पूर्वांचल की 74, बुंदेलखंड की 16 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है, क्योंकि उनके अलावा किसी और ने नामांकन दाखिल किया नहीं या हो नहीं पाया। 262 ब्लॉक्स में बीजेपी प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। हमारे तीन संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा हमारे साथ हैं, आगरा से नितिन उपाध्याय हमारे साथ हैं, कानपुर से रतीश त्रिवेदी हमारे साथ हैं। हम पहले आगरा चलेंगे नितिन उपाध्याय के पास। नितिन, आगरा जिले की बात की जाए और आगरा मंडल की बात की जाए तो क्या स्थिति है, क्या समीकरण है? कल नामांकन का दिन वहां पर कैसा रहा, आज क्या तैयारी दिख रही है आपको प्रशासन की? देखिए राजेंद्र, अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में जो ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव है वो पूरी तरह से एक तरफा हो गया है। 15 आगरा में ब्लॉक है और 15 में से 13 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध निर्वाचन करने में सफल रही है, और जिसमें कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी जनप्रतिनिधि से, पूर्व वर्तमान में या पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, उनके परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनको उनका निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। और अब जो लड़ाई है 15 में से 2 ब्लॉक पर रह गई है, वो है बरौली अहीर ब्लॉक और दूसरा जगनेर ब्लॉक। तो ऐसे में अब इन दोनों पर जो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस अदर्स है, जिसमें सपा समर्थित दोनों जगहों पर जो कैंडिडेट हैं, तो आज अगर नाम वापसी नहीं होती है 11 से 3 बजे के बीच, तो हो सकता है कल इसके लिए फिर प्रॉपर जिस तरह से वोटिंग होती है वो होगा। तो कुल मिला के कहा जाए, जिस तरह से 825 जो पूरे यूपी में ब्लॉक है उसमें से 250 से ज़्यादा बीजेपी ने निर्वाचित करा लिए हैं, ये बड़ी उपलब्धि है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी पर खड़े हो रहे हैं, वहीं साथ ही साथ राज्य निर्वाचन आयोग पर खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से तमाम तस्वीरें आई हैं, संवाददाताओं पर हमला, एबीपी गंगा के संवाददाता पर हमला, इसके साथ ही जगह जगह समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा है कि उनको नामांकन नहीं करने दिया गया, उनको अंदर घुसने नहीं दिया गया, उनको किडनैप कर लिया गया, ये तमाम चीज़ें जो तस्वीर रही हैं ये स्वस्थ लोकतंत्र की बिल्कुल भी निशानी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े करती थी कि जिस तरीके से वो एक बार कहीं ना कहीं उनकी जो इमेज रही है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या यही लोकतंत्र की शुचिता है कि जबरदस्त तरीके से किसी को आप नामांकन भी नहीं करने देंगे? ये जो तस्वीर है, देखिए आगरा में भी ये कई जगह देखने को मिला, लेकिन आगरा में जो हो हल्ला हंगामा की तस्वीर कुछ इस तरह की मेजर तस्वीर निकल कर नहीं आई है, लेकिन प्रदेश के कई सारे जिलों से ये तस्वीरें जरूर कैमरे में कैद हुई हैं। आगरा में वाजिद निसार जो महानगर अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि ज़्यादातर जगहों पर उनको नामांकन उनके प्रत्याशियों को करने ही नहीं दिया गया। तो कुल मिला के बीजेपी के लिए बढ़त की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं लोकतंत्र की शुचिता पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का सपना जो राजीव गांधी सरकार ने देखा हो या भाजपा सरकार ने इसको मजबूती से आगे बढ़ाया, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये अगर गाँव की सरकार बन रही है, ग्रामीण इलाकों की सरकार बन रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं धनबल और बाहुबल के प्रयोग के साथ जो सत्ता का जो दबाव है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव चल रहा है और यहाँ पर जिस तरह की हिंसा देखी जा रही है वो बड़े सवाल खड़े करती है। शैलेश का रुख करेंगे लखनऊ से। शैलेश, नामांकन के दिन लखनऊ से किस तरह की खबरें मिली? अलग अलग शहरों से हमने दिखाया कि कहीं पर मारपीट हो रही है, कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं पुलिस पर हमला हो रहा है। लखनऊ में क्या शांतिपूर्ण नामांकन हुआ है या यहाँ भी कोई जद्दोजहद दिखाई दी? आशा, देखिए अगर लखनऊ की बात करें तो 8 ब्लॉक हैं और राजधानी लखनऊ की तस्वीर बिल्कुल अलग देखने को मिली। यहाँ पर कोई ऐसी हिंसक घटना या इस तरह का हंगामा नहीं मिला है। मलिहाबाद ब्लॉक के एक जरूर रहा, जहाँ पर थोड़ी देर के लिए जो भाजपा कार्यकर्ता थे वो जरूर धरने पर बैठे थे, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो कोई हंगामा, कोई हिंसक झड़प, इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिली है। सभी जगह भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही, खुद जो DM है लखनऊ के, जिला निर्वाचन अधिकारी, वो भी निरीक्षण पर निकले। जगह जगह जितने भी ब्लॉक थे 8 जगह पर उन्होंने निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं को देखा, तो कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। और लखनऊ में मुकाबला भी देखिए कड़ा होगा, यहाँ पर कोई भी निर्विरोध फिलहाल निर्वाचित नहीं है। अभी 8 ब्लॉक के लिए 20 प्रत्याशी मैदान में हैं इस समय अगर बात करें, और सबसे ज़्यादा जो जंग होगी वो होगी चिन्हट ब्लॉक के लिए। चिन्हट ब्लॉक में 4 प्रत्याशी हैं, जिसमें एक भाजपा से, एक सपा से, 2 और है। इसी तरह से 2 ब्लॉक में 3-3 प्रत्याशी हैं, जबकि 5 ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ पर सपा और भाजपा के बीच में मुकाबला होगा, कड़ा मुकाबला होगा।
तो फिलहाल निर्विरोध निर्वाचन किसी का नहीं होने वाला। फिलहाल आज नाम वापसी की अगर हम बात करें, जब नामांकन के बाद आज नाम वापसी होगी, अगर उसमें किसी जगह पर जहां पर दो प्रत्याशी हैं कोई एक नाम वापस लेता है या ऐसी स्थिति बनती है तो उस केस में जरूर कहा जा सकता है कि निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसे आसार बनते नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, प्रदेश की अगर बात की जाए तो प्रदेश में निश्चित रूप से चाहे लखीमपुर खीरी हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे कन्नौज हो, तमाम जिलों से, डेढ़ दर्जन जिलों के आसपास इस तरह की सूचनाएं सामने आई हैं। अयोध्या, गोरखपुर, बस्ती, सभी जगह से कई महिलाओं से अभद्रता का मामला सामने आता है, कहीं पर गोली चलती है, देसी बम चलाए जाते हैं, कहीं मीडिया कर्मियों से बदसलूकी होती है, उन्हें मारा पीटा आता है, उनके कैमरे छीने आते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो घटनाएं सामने आई हैं ये बताती हैं कि जो व्यवस्थाएं थी वो अधूरी थी, या कहीं ना कहीं जो पुलिसकर्मी थे, जो जिला प्रशासन के लोग थे, ये उनका फेल्योर रहा पूरी तरह से, जो इन चीज़ों पर नियंत्रण नहीं कर पाए, जो वहाँ पर ना हालात पर वो काबू नहीं कर पाए और इतनी हिंसक झड़प हो गई, कई जगह पर पुलिस मूक दर्शक बनी नजर आई। तो निश्चित रूप से ये देखना होगा, कल चुनाव होना है, देखिए 10 तारीख है, कल चुनाव है, फिर मतदान है, मतदान के बाद मतगणना होगी, तो निश्चित रूप से ये चीज़ें दोहराई ना जा सके, इसके लिए पुलिस को, जिला प्रशासन को, पूरे सिस्टम को अपने आप को दुरुस्त करना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है, चलिए इस पर सवाल है, ये सब कुछ राज्य निर्वाचन आयोग के सुपरविजन में हो रहा है, ये सारी व्यवस्थाएं उनको ही देखनी है और व्यवस्थाओं में दृढ़ता उन्हें सुनिश्चित करनी है। रतीश त्रिवेदी के पास चलेंगे कानपुर। रतीश, कानपुर जिले और कानपुर मंडल की क्या स्थिति है, कल का दिन वहां पर कैसा रहा और आज की क्या तैयारी? हाँ, देखिए नॉमिनेशन के दिन के अगर पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाई जाए तो साफ तौर पर लोकतंत्र को मजबूत करने वाली तस्वीर तो नहीं दिखती है। कन्नौज में जिस तरीके से एबीपी संवाददाता पर हमला किया गया भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा, कानपुर देहात में संदलपुर और तमाम ब्लॉक्स में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, और कानपुर में भी बिल्हौर जो विकासखंड है वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच नूरा कुश्ती चलती रही। कानपुर नगर की अगर खासतौर पर बात की जाए तो 10 ब्लॉक हैं जिनमें से 4 ब्लॉक निर्विरोध रूप से बीजेपी ने जीत लिए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगातार कह रहे हैं कि उनका चुनाव, ये चुनाव वो बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, वो जिला प्रशासन और पुलिस से लड़ रहे हैं। सीधा आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है बीजेपी के द्वारा। 4 ब्लॉक बीजेपी निर्विरोध रूप से जीत चुकी है और कल 11 बजे से 3 बजे के बीच 6 ब्लॉक्स के लिए चुनाव होगा और इन 6 ब्लॉक में नूरा कुश्ती बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की बहुत ज़्यादा जारी रही। बिल्हौर में किसी तरीके से समाजवादी पार्टी के अपने उम्मीदवार का पर्चा भरवा दिया, पूरे 3 बजे तक का समय था लेकिन 3 बजे के कुछ समय पहले ही बिल्हौर में पर्चा भरा जा सका, लेकिन बिदनू में बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनके सामने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पहुंचे जरूर लेकिन प्रत्याशी का जो प्रस्तावक था उसी को गायब करा दिया गया, और यानी उसका जो साइन था पर्चे पर नॉमिनेशन फॉर्म पर उसे अवैध घोषित कर दिया गया और बिदनू ब्लॉक भी निर्विरोध रूप से निर्वाचित बीजेपी ने कर लिया। इसका सीधा आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगा है कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और सामने मुकाबले में किसी को आने ही नहीं देना चाहती। 6 ब्लॉक बचे हैं, 6 ब्लॉक में कल चुनाव होने हैं और बीजेपी दम ठोक रही है कि सभी 6 के 6 ब्लॉक जीत जाएंगे, लेकिन सरसौल में फाइट देखने को मिलेगी क्योंकि यहां पर कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सतीश महाना और पूर्व सांसद लाल सिंह तोमर जो समाजवादी पार्टी के हैं उनके प्रत्याशियों के बीच भिड़ंत है, और बिल्हौर में भी इंटरेस्टिंग फाइट होगी। इसके अलावा चौबेपुर जो ब्लॉक है वहाँ भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सीधे तौर पर फाइट देखने को मिलेगी, तो कल ये देखने को मिलेगा कि कैसे बीजेपी को सपा चुनौती देती है। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी हर तरह से लड़ाई लड़ रही है और धन बल, सत्ता बल और बाहुबल का जोर आजमाइश करते हुए पूरा प्रयोग किया जा रहा है, शायद इसीलिए 4 ब्लॉक को निर्विरोध रूप से बीजेपी ने कानपुर नगर में जीत लिया है। बिल्कुल रतीश, आप कानपुर का हाल बता रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुल 262 सीटें अब ऐसी हो गई हैं ब्लॉक प्रमुख की, जहां पर बीजेपी का ही कैंडिडेट निर्विरोध तरीके से जीतने जा रहा है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, लेकिन शैलेश अरोड़ा हमारे साथ बने रहेंगे, आगे भी हम उन्हें अपनी चर्चा में जोड़ेंगे।